वेलकम टू SSC Easy. फ्रेंड्स प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बाय प्रेसिंग सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस बेल बटन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. थैंक यू. वेलकम टू SSC Easy. तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है मराठास. तो दोस्तों, आज हम लोग जो भी मराठा में पढ़ेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्योंकि जान रहे कि SSC CGL में अब 10 दिन या 15 दिन का लेट है. ओके, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया कि अपने नोट्स से आपको समझाने का कोशिश किया, क्योंकि मैं अभी अगर पावर पॉइंट में जाके बना के वैसे करता तो लेट हो जाता, और आप लोग का एग्जाम है, इसी के चलते मैं थोड़ा सा फास्ट इसको ऐसे कर रहा हूँ. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द मराठास. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो किंग थे मराठा, मराठा में जो, देखिए मराठा में दो फेज आया था. एक तो वो था किंग रहते थे, और एक पेशवा, जो कि कुछ देर बाद से आपको दिखेंगे कि पेशवा आ गया था. ओके, तो वो कैसे आया वो सब हम लोग उसमें देखेंगे. ओके, तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं. यहां देख सकते हैं आप, जैसा कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो फाउंडर थे, जिन्होंने ये मराठा एम्पायर को खड़ा किया था, मराठा किंगडम को जिन्होंने बनाया था, वो थे शाहजी भोसले एंड जीजाबाई. ओके, तो यहां देखिए शाहजी भोसले एंड जीजाबाई. ओके, तो उनके सन थे शिवाजी. ओके, आप इसको याद रखिएगा, क्रॉनिकल वाइज याद रखिएगा, मैंने एकदम वैसा ही बनाया. ओके, तो शाहजी भोसले एंड जीजाबाई क्या थे, फाउंडर थे, ठीक है. और उनके जो नेक्स्ट थे सन थे वो थे शिवाजी, जो कि किंग बने. ओके, शिवाजी के दो सन थे, एक थे राजा राम और एक थे सांभाजी. ओके दोस्तों, शिवाजी के दो सन थे, एक थे राजा राम और दूसरे थे सांभाजी. नेक्स्ट सांभाजी के एक सन थे साहूजी. तो ये आपका मराठा किंग का क्रोनोलॉजी है. ओके, तो चलिए नोट में यहां पे कुछ लिखा हुआ उसको पढ़ लेते हैं कि सांभाजी एंड साहूजी कैप्चर्ड बाय औरंगजेब. So, राजा राम टुक द चार्ज. तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शाहजी भोसले के बाद शिवाजी ने राज किया, उसके बाद सांभाजी ने, देन साहूजी ने. तो दोस्तों, ये बीच में क्या हुआ था कि सांभाजी जब आए थे तो उसके बीच में क्या हुआ था कि इनको, सांभाजी को और साहूजी को औरंगजेब ने कैप्चर कर लिया था. तो उस समय किंग कोई नहीं था, तो राजा राम ने ये भार उठाया था और वो किंग बने थे. ओके, क्योंकि कोई था नहीं. ओके, तो चलिए आगे चलते हैं. दोस्तों एक और चीज, शिवाजी जी के बारे में मैं अलग से डिटेल में आपको दूंगा, ठीक है. शिवाजी से रिलेटेड जो भी चीज है उसको अलग से डिटेल में आपको मैं बता दूंगा इसके बाद. ओके, नेक्स्ट, तो स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट से. ओके, बैटल ऑफ खेर टू पेशवा सिंह. ओके, सुनिए, तो एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ खेर, वो किनके बीच में हुआ था वो अभी आपको आगे पता चलेगा, और इसी से फिर पेशवा सिंह का स्टार्टिंग हुआ. जैसा कि आप याद है, वो एक रणवीर सिंह का जो मूवी निकला था बाजीराव, तो उसी से रिलेटेड है, उसी पे कहानी ये बना हुआ है. ओके, तो पेशवा जो, ये जो कहानी है ये बाजीराव जो हम लोग मूवी देखे हैं रणवीर कपूर का वो इसी पर है. ओके, तो चलिए देखते हैं. राजा राम क्या थे, किंग थे उस टाइम, तो उन्होंने टुक मराठा टू न्यू हाइट. उन्होंने बहुत अच्छा किंगडम को संभाला, एक अच्छे हाइट तक ले गया उन्होंने, ठीक है. Died unspecified illness in 1700. तो देखिए उस समय क्या बीमारी होता था, उस समय तो आदमी पता नहीं कर पाता था. अभी जैसे हम लोगों को पता है कि क्या बीमारी, टीवी है कि कैंसर की क्या है, लेकिन उस समय तो पता नहीं चलता था. तो वो मरे थे, ठीक ना, कोई इलनेस के चलते, लेकिन वो अनस्पेसिफाइड, तो उस समय हम पता नहीं कर पाए थे. ओके, ऑब्वियस बात, उस समय नहीं पता किया जा सकता है. तो वो 1700 में मर गए थे. तो राजा राम्स वाइफ ताराबाई, याद रखिए, जैसे हम लोग बचपन में कहानी भी सुने ताराबाई से रिलेटेड. ओके, तो राजा राम्स वाइफ ताराबाई रूल्ड द एम्पायर एज रीजेंट फॉर हर यंग सन शिवाजी टू. तो दोस्तों, राजा राम के मरने के बाद उनकी वाइफ ताराबाई ने किंगडम को संभालना शुरू किया एज अ रीजेंट फॉर हर यंग सन शिवाजी टू. अपने बच्चे के लिए मतलब एक देखभाल कर रहे थे कि जैसे वो बड़े हो जाएंगे तो वो राज संभालेंगे शिवाजी टू. ओके, नेक्स्ट, ऑन रिलीज. अब देखिए क्या हुआ कि आपको पता है कि साहूजी जब छूट के वापस आए, ओके, जब खत्म हुआ, जब औरंगजेब के कैप्चर से जब निकले, तो वो क्या ताराबाई के पास गए. ओके, ऑन रिलीज
ताराबाई रिफ्यूज टू शेयर पावर विद साहू जी, ओके, वो था बैटल ऑफ खेर नियर सतारा ऑन भीम भीमा रिवर। तो सुनिए दोस्तों, जब साहू जी जब वापस आए, ओके, तो वो ताराबाई को बोले कि ऐसा करते हैं, यहाँ पे तो अभी कोई राजा है नहीं क्योंकि उनका सन तो बहुत छोटा, तो शेयर कर लेते पावर को और हम बन जाते किंग, क्योंकि कोई किंग तो चाहिए, ओके। तो वो रिफ्यूज कर गई, बोली कि नहीं देंगे कोई पावर को, हम शेयर नहीं करेंगे, ये मेरे बच्चे के लिए, ओके। तो उसी के चलते हुआ था बैटल ऑफ खेर, ठीक ना, बैटल ऑफ खेर इसी टाइम पे हुआ था, ताराबाई और साहू जी के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सतारा में। यहाँ सतार लिखा हुआ दोस्तों, एस ए टी ए आर ए होगा, यहाँ पे ए कर लीजिएगा, आर के बाद ए होगा, सतारा, ओके, ऑन भीमा रिवर, याद रखिएगा, ओके, नियर भीमा रिवर, ओके। तो उसके बाद क्या था, साहू जी वन विद द हेल्प ऑफ बालाजी विश्वनाथ फर्स्ट पेशवा। तो साहू जी तो ऐसे ही अभी निकल के आए थे, उनके पास तो कोई बोला जाए तो कुछ सैनिक का कोई बल नहीं था, कोई भी कहते वो अकेले थे, तो उनको हेल्प किया था बालाजी विश्वनाथ ने, ओके, जो कि फर्स्ट पेशवा भी बनते हैं, जो कि फर्स्ट पेशवा बनते हैं, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। साहू जी डाइड विथआउट सन, देयरफॉर ग्रैंडसन ऑफ ताराबाई राजा राम टू केम टू पावर इन 1749 to 1777, ओके। देखिए क्या हुआ कि साहू जी का कोई भी संतान नहीं था, उनका कोई भी सन नहीं था, ओके, तो वारिस नहीं होने के चलते क्या हुआ कि ताराबाई का जो ग्रैंडसन था, ओके, राजा राम टू, वो ऐसा किंग बने थे, ठीक ना। ये बालाजी, ये जब बाजीराव हमारा वन, जब बाजीराव का डेथ के बाद ये आए थे, ओके, राजा राम टू एज अ किंग। चलिए तो सबसे पहले आगे चलते हैं, उसके बाद और क्लियर करते हैं पेशवाशिप के बारे में, ठीक है। पहले नेक्स्ट दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं पेशवा, ओके, यहाँ देखिए पेशवा लिखा हुआ है, ओके। अब पेशवा के बारे में एक डिटेल लेते हैं कि क्या था पेशवा, ओके। तो देखिए दो पैरेलल चल रहा था, किंग था, किंग के अंडर ही पेशवा था, ओके, किंग के अंडर ही पेशवा था, ठीक ना, लेकिन उसका धीरे धीरे करके पावर बढ़ते गया और वो एक किंग, मतलब कहा जाए तो किंग नाम का हो गया और पेशवा अलग हो गया, ओके। चलिए देखते हैं, तो स्टार्टिंग में बालाजी विश्वनाथ फर्स्ट पेशवा थे, हम लोग को पता है, तो ये स्टार्टिंग फाउंडर यही थे, पेशवा पहला यही बने थे, ओके। ये 1713 से 1720 तक रहे थे, याद रखिए दोस्तों, 1713 से 1720 तक थे, ओके। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं, उनके बाद उनका सन बाजीराव वन, ओके, जो हमारे रणवीर सिंह ने रोल निभाया था बाजीराव वन का, ओके। तो उसके बाद बाजीराव वन, ये 1720 से 1740 तक थे, 1720 से 1740 तक, ओके। तो बाजीराव टू के दो सन थे, एक थे रघुनाथ राव राव और एक थे बालाजी बाजी राव, देखिए बाजी राव ये, ठीक ना, बालाजी बाजी राव, इसी को बोलते हैं नाना साहब, इन्हीं का नाम था नाना साहब, ठीक है। तो देखिए बाजीराव वन के बाद जो किंग बने थे, जो पेशवा बने थे, वो थे आपके बालाजी बाजी राव नाना साहेब, रघुनाथ राव नहीं, बालाजी बाजी राव नाना साहेब बने थे, ओके। ये बने थे 1740 से 1761 तक, ओके। उसके बाद क्या हुआ कि उसी टाइम पे क्या हुआ कि 1761 में दोस्तों थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ओके। तो उसमें क्या हुआ था कि विश्वास रॉय मर गए थे, डाइड हो गए थे, ओके, उसी लड़ाई में वो मर गए थे, तो जिसके चलते माधव रॉय को ये पेशवाशिप का गद्दी मिलता है, ओके। तो ये 1761 से 72 तक थे, ओके, देखिए 1761 से 72 है ये, ओके। चलिए तो उसके बाद क्या होता है कि इनके बाद माधव राव के बाद आते हैं नारायणा रॉय, कौन आते हैं दोस्तों, नारायण रॉय। तो ये थे 1772 से 1773 तक, ओके। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, देखिए नारायण रॉय के साथ है ना, इनके जो चाचा थे रघुनाथ रॉय, ये इनको धोखा देके, ठीक ना, इनको मरवा देते हैं, ओके। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो गद्दी ले लेते हैं, तो 1773 से 1774 तक, देखिए यहां से यहां चला गया, ओके। देन फिर स्वामी माधव रॉय इनसे फिर से गद्दी लेकर वापस इनसे जीत कर फिर से वो संभालने लगते हैं 1774 से 1796 तक, ओके। एंड देन इनके बाद स्वामी माधव राव के बाद अगेन रघुनाथ रॉय के बाजीराव टू ले लेते हैं 1796 से
1818 तक, और ये सबसे खराब रूलर थे, ये सबसे खराब पेशवा थे। ओके अभी तक उस टाइम के सबसे खराब यही थे। ओके इन्हीं के टाइम से पूरा गड़बड़ी शुरू हो गया जिसके चलते पेशवाशिप अबॉलिश्ड हो गया। ओके चलिए, तो ये आपको एक मैंने एक ब्रीफ दिया कि आप ये रखिए कि कौन किसके बाद आया था। ओके आपको कंफ्यूज ना हो कि नाना साहब कौन थे, उनका रिलेशन क्या था किसके साथ। ओके तो एक ब्रीफ देने के लिए आपको मैंने ये दिया है। ओके तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो पहला है बालाजी विश्वनाथ 1773 से 1713 से लेके 1720, ये पहले पेशवा थे, ठीक है मैंने बता दिया था। तो इनको टाइटल दिया गया था सेना करते का, क्या दोस्तों देखिए सेना करते का टाइटल दिया गया था इनको, ये पहले पेशवा थे, ठीक है। चलिए थर्ड में देखते हैं चौथ एंड सरदेश मुखी फ्रॉम फारूक सियार बट गॉट इट फ्रॉम रफी उद दजारल। तो दोस्तों देखिए ये जब मैं मुगल का बताऊंगा, औरंगजेब के बाद से जो आता है आपका मेडवल का, जो मुगल का, वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि औरंगजेब के बाद कौन आए थे, बहादुर शाह वन। ओके तो उसके बाद और जो क्रोनोलॉजी है वो मैं आपको बताऊंगा, ये थर्ड रूलर थे उसके बाद, क्योंकि इनके इससे पहले इनके चाचा थे। ओके तो फारूक सैयद ने अपने चाचा को हरा के ये गद्दी लिया था। ओके उसके बाद रंगीला आते हैं, दजारत आते हैं, रफी दजारत बहुत लोग आते हैं, तो वो मैं आपको उसमें क्लियर करूंगा। ओके तो सबसे पहले चौथ और सरदेश मुखी क्या था। तो दोस्तों चौथ ये था कि एक अमाउंट फिक्स किया गया था। ओके कि इस अमाउंट आपको देना है। देखिए इस समय आप पीरियड में आप देख सकते हैं कि मुगल बहुत वीक पड़ गया था, है ना, क्योंकि उसको उससे चौथ मांगने के लिए पेशवा जा रहा था, उससे चौथ मांगने मराठा का किंग, मतलब किंग का प्रतिनिधि जा रहा था, मतलब बहुत कमजोर हो गया था उस टाइम पे आपका मुगल साम्राज्य। तो चौथ में क्या होता है दोस्तों कि आप मुझे कुछ एक अमाउंट फिक्स रहता है, आप मुझे वो अमाउंट दीजिएगा ताकि हम आप पे आक्रमण नहीं करेंगे। ओके आप पे आक्रमण ना करें इसलिए आप हमको ये इतना चौथ एक फिक्स किया जाता है, ये आप हमको दीजिएगा। और सर देश मुखी क्या होता है कि कोई आप पे ना अटैक, अगर आप पे कोई अटैक किया तो हम आपका हेल्प करेंगे, ठीक ना, ये सर देश मुखी होता है। ओके तो इसको आप याद रखिएगा, और इसी को कहते हैं नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ मुगल डोमिनियन, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अब बाजीराव वन। ओके तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, चौथ याद रखिएगा, सेना करते याद रखिएगा। ओके अब देखिए बाजीराव वन, बाजीराव वन थे 1720 से 1740 तक। ओके दोस्तों ये क्या हुआ था ना, पहले मराठा किंगडम था, इसको एक बड़ा सा एम्पायर बनाने वाले कौन थे, बाजीराव वन, ठीक ना। उसके बाद इन्होंने डिफीट किया था निजाम को, निजाम ऑफ हैदराबाद इन बैटल ऑफ पालखेर, याद रखिएगा बैटल ऑफ पालखेर किसके बीच में हुआ था, निजाम एंड बाजीराव वन। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके तो बैटल ऑफ पालखेर किसके किसके बीच हुआ था, निजाम एंड बाजीराव वन। ओके नेक्स्ट 1737 में उन्होंने शिफ्ट किया था कैपिटल को सतारा में, देखिए एस ए टी ए आर ए है सतारा, तो उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था सतारा में। ओके और इनके टाइम पे जो मुगल में जो राजा थे वो थे रंगीला। ओके रंगीला उस टाइम पे वो किंग थे इनके टाइम पे, बाजीराव वन के टाइम पे, और इन्हीं के बाद साहू जी मर गए थे, क्योंकि उनके मर जाने के बाद और उनके पास कोई उनका कोई संतान नहीं था, इसलिए राजा राम टू बन गए थे किंग, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट वन था मुगल एम्पायर का, सॉरी मराठा एम्पायर का, ठीक ना। इसके बाद हम आपको इसका पार्ट टू निकलेगा। ओके और पार्ट टू में हम इसको पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो होप हमको लगता है आपको पसंद आएगा, तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों हमारा बायोलॉजी का पार्ट जोर देखिएगा, और हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ निकाला इंपॉर्टेंट, उसको देखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, और जो भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ है वह हमने वही उसमें दिया है। ओके और जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ये रिपीट कर सकता है, वो चीज हमने उस पर फोकस किया है। ओके तो थैंक यू।